तो मैं आ गया हूँ इजराटा हाटगाछी, और अभी का 2023 का बताऊंगा कि भाजी का रेट अभी क्या चल रहा है। अभी मजा आएगा ना। और ये हाट कितना साल पुराना है ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखे यहाँ सब्जी सीधा घर से आते हुए। करेला, परवल का है भरमार, यहाँ देखिए मिर्ची भी है भाई, हरी सब्जी भी है। ये है मीना बाजार, देख सकते हैं आप लोग, ये है मीना बाजार। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी औकात बता रहा सर, बुरा नहीं मानना सर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साई दस के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं आज है जुमा और मैं जाने वाला हूँ, हमारे इधर जुमा बाजार लगता है, हाट लगता है इजराटा गांव में, तो मैं वहां जाने वाला और आपको वहां का सारा व्यू दिखाऊंगा और वहां हाट पे क्या क्या मिलता है। जैसे दिल्ली मुंबई में संडे बाजार होता है, जुमा बाजार होता है, उसी तरीके से यहां भी जुमा बाजार लगता है। अभी मजा आएगा ना। और मैं वहां जा रहा भाजी खरीदने के लिए, तो आपको वहां का पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा। और जैसा भी रहेगा गाइस, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मैं जा रहा हूँ इजराटा हाटगाछी, जहाँ पे बाजार लगता है, जुमा का हाट लगता है हमारे बिहार में। तो मैं आ गया हूँ हाट पे इजराटा, तो यहाँ दिखाऊंगा आपको हर एक चीज क्या क्या मिलता है। ये देखें, अभी आम का सीजन चल रहा है, आम भी मिल रहा है, कलिंगर ही मिल रहा है आपको, केला ही मिलेगा, बनाना जिसको बोलते हैं, और यहाँ पीसी मिर्चाई मिलेगा, ऐसा खा भी मिल जाएगा। तो यहाँ हर एक चीज़ मिलेगा, जो भी चीज़ ढूंढेंगे यहाँ बाजार के अंदर हर एक चीज़ मिलेगा। ये देखें, अभी आम का सीजन है गाइस, तो इसके लिए आम ज़्यादा मिलेगा आपको। और ये है इजराटा का हाटगाछी, तो यहाँ देखें मसाला वगैरह, और हाथ वाला पंखा तो आपको मालूम ही गाइस, यहाँ बहुत लाइट होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। के लिए झिल्ली फोपी है, आलू चॉप वगैरह ये सब मिलेगा, झरवन मिलेगा, बचपन में हम लोग ले जाते थे, अभी भी ले जाते हैं बच्चों के लिए, आते हाट पे तो ये चीज़ ले जाते जरूर, क्योंकि बच्चे का ये फरमाइश होता है। और आगे चलते हैं, आगे दिखाता है अभी क्या क्या मिलता है ये। तो यहाँ देखें भाजी वगैरह है, देख सकते हैं, आगे ले चलता हूँ। यहाँ ताला है, चम्मच है, छलनी है, हंसुआ है, ये सब यहाँ मिलता है हर एक चीज़ आपको। और यहाँ गाइस चपको भिंडी वगैरह का पेड़ मिल जाएगा। ये देखे पायल की दुकान है, ये गाइस लेडीज़ का श्रृंगार का आइटम। और ये देखे कंगन चूड़ी, पायल नहीं मिलेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा, चाहे कोई भी बाज़ार हो। ये है मीना बाज़ार, और ये है भेली, जिसको गुड़ बोलते हैं, गन्ने का गुड़ है ये, और बहुत जगह भेली बोलते हैं यहाँ। अच्छा बात नहीं है। और यहाँ इस साइड से देखे भाई मसाला है, और आपको हंसुआ देखने को मिल जाएगा, खुरपी देखने को मिल जाएगा, हर एक चीज़ यहाँ को मिलेगा। और ये आगे आपके देखे गाइस, ये है बकलिया, जिसको यहाँ पे आपको जड़ी बूटी का आइटम मिल जाएगा, काला नमक ये सब हो गया, मिश्री हो गया, तल मखाना हो गया, ये सब मिलता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये देखें भिंडी की भरमार, और भिंडी है 40 रुपए किलो यहाँ भी हाट पे। टमाटर देखे गाइस, क्या गोभी, गोभी तो अभी 60 रुपए किलो है, गोभी अभी महंगा है बिहार के अंदर, ये 2023 का रेट बता रहा हूँ गाइस। तो ये देखे गोभी, भिंडी, ये हो गया साग, हरा हरा और हरी खूबसूरती यहाँ की। और ये गाइस, ये हाट बहुत पुराना ही है, काफ़ी ज़्यादा पुराना ये हाट है। तो ये देखो परवल, करेला, परवल का रेट है गाइस 40 रुपए किलो, करेला भी 40 रुपए किलो है, और
टमाटर आपको 40 रुपये किलो मिल जाएगा। ये देखें तोरी हो गया, कलिंगर देख लेगा इस कितना लाल है। यहाँ करेला की भरमार है तो यहाँ भी 40 रुपये किलो है। और ये देखें कटहल, वाह ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखें यहाँ पे ज़्यादा आपको अभी करेला, परवल और भिंडी को भी कम नज़र आएगा क्योंकि गोभी का सीजन नहीं है, गोभी थोड़ा महंगा है। और मिर्चाई आपको गाइस यहाँ 60 रुपये किलो है, 15 का पाव है कहीं पे, कहीं पे 40 का पाव किलो है। मच्छी 260 रुपये किलो मच्छी था, 160 रुपये किलो है। मांगूर 160 रुपये केजी है। तो ये देखें गाइस बुआरी देख ले, कितनी बड़ी बुआरी है, बहुत बड़ी बुआरी है। देखें उठा के दिखाइए भाई, दिखाइए ये देखें कितनी बड़ी बुआरी है। और ये है 260 रुपये केजी बुआरी मछली। आपको पपलेट भी दिखाता हूँ मुंबई का, आप लोग बुलाओ मेरे तक बने रहेंगे गाइस। तो आगे दिखाता हूँ और भी मछली वगैरह मिलता है, पपलेट है, भाकुर है। ये रेहू मछली है 260 रुपये किलो। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भाई हमारे वीडियो लास्ट तक देखे उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।